परम महामंगलम। खरतर गच्चाचार्य कवि कुल किरीट परम पूज्य कविंद्र सागर सुरीश्वर जी महाराज साहब द्वारा रचित अंतराय कर्म निवारण पूजा। यह पूजा सामान्यतया सभी तरह के प्रसंगों में पढ़ाई जा सकती है। वर्तमान में मुख्य रूप से शोक निवारण के प्रसंग में यह पूजा पढ़ाते हैं। सर्वप्रथम मंगल पीठिका रूप दोहे। प्रभु पूजा से हो
प्रथम जल पूजा। यह पूजा पढ़ाते समय हाथ में जल का कलश लेकर खड़े होना चाहिए। भव जल तिरना हो यदि जल पूजा लो धार, जल तीरथ जनता तिरे तीरथ तारण हार, रे भविका तीरथ तारण हार। द्रव्य भाव दो तीर्थ है द्रव्याल तीरथ जल पूजा नित करिए, तिरना हो संसार सार जिन पूजा चित धरिए। तीरथ जल पूजा नित करिए, तिरना हो संसार सार जिन पूजा चित धरिए। विघ्न घनाघन कर्म बनाए आशव अभियोगे, इसीलिए तीरथ जल पूजा नित करिए। तिरना हो संसार सार जिन पूजा चित धरिए। आपा भूल फसा जड़ पुद्गल परिणामे चेतन, अनजाने मिथ्यात्व भावमय होता हत जीवन। तीरथ जल पूजा नित करिए, तिरना हो जो जिन देव तीर्थ में ज्ञान विशद होता। जग जाता यह आत्म हरदम विषयों में सोता। तीरथ जल पूजा नित करिए, तिरना हो संसार सार जिन पूजा चित धरिए। परमारथ से क्यों डरो डरो हिंसा को आचरते, खाते पीते भोग कर्म में महारंभ करते। तीरथ जल पूजा नित करिए, तिरना हो संसार सार जिन पूजा चित धरिए। परमारथ का मूल कहा सम्यक इसे धारो, परमात्म पद पूज आत्मा अपना निर्धारो। तीरथ जल पूजा नित करिए, तिरना हो संसार सार जिन पूजा चित धरिए। आत्म ध्यान पवन हटते हैं विघ्न घनाघन ये, बढ़ जावे अभिराम आत्म गुण ठाने नए नए। तीरथ जल पूजा नित करिए, तिरना हो संसार सार जिन पूजा चित धरिए। मारे मारे फिरो अरे सोचो है भवि प्राणी, दुर्लभ नर भव मिला सुगुरुगम सुन लो जिन वाणी। तीरथ जल पूजा नित करिए, तिरना हो संसार सार जिन पूजा चित धरिए। आत्म धन की हरि कविंद्र जय वरो भरो ज्योति नव जीवन की। तीरथ जल पूजा नित करिए, तिरना हो संसार सार जिन पूजा चित धरिए। तीरथ जल पूजा नित करिए, तिरना हो संसार सार जिन पूजा चित धरिए। काव्य लोकेशनातित्र।
कृष्णोदयवारणाय सद्बोधि बीज जनितांकुर वर्धनाय स्वांतरमलाप नयनाय यजामहे श्री वीरं विशेष गुण भाव जलेन भक्त्या। मंत्र ओम रीम अरहम परमात्मने अनंतानंत ज्ञान शक्तये जन्म जरा मृत्यु निवारणाय अंतराय कर्म समूलोच्छेदाय श्री वीर जिनेन्द्राय जलम यजामहे स्वाहा। हाथ में ग्रहण किए हुए जल द्वारा परमात्मा का अभिषेक करें। द्वितीय चंदन पूजा। यह पूजा पढ़ाते समय हाथ में चंदन की कटोरी लेकर खड़े होना चाहिए। जीवन चंदन रूप हो गुण सुगंध भरपूर अपकारी उपकार कर प्रभु पद पूज सनु पद तिलक विधान ते मिले मोक्ष पद छाप। चंदन पूजा करिए प्रभु की चंदन पूजा करिए रे चंदन पूजा करिए प्रभु की चंदन पूजा करिए जगवंदन जिन चंद चरण में चंदन पूजा करिए रे कर्म निकंदन द्वंदन रहतु आनंद कंद आदरिए रे चंदन पूजा करिए प्रभु की चंदन पूजा करिए रे कर्म आठवा अंतराय होता पंच प्रकारा रे निज में पर में और उभय में होता है दुख भारा रे चंदन पूजा करिए प्रभु की चंदन पूजा करिए रे अंतराय देने पर को उसके फल में भजना रे अंतराय फल निज को निश्चय होता याते तजना रे चंदन पूजा करिए प्रभु की चंदन पूजा करिए रे दान अगर देता हो कोई उसमें रोक लगावे रे तन से मन से और वचन से अंतराय वह पावे रे चंदन पूजा करिए प्रभु की चंदन पूजा करिए रे कृपण कपीला दासी प्रात मुख दर्शन दुखदाई रे नाम लिया रोटी रोजी में हो जाता अंतराई रे चंदन पूजा करिए प्रभु की चंदन पूजा करिए रे अक्षय आत्म गुण नहीं पावे दान विघ्न कर तारा रे घाति कर्म अंतराय निवारो हो सुख अपरम पारा रे चंदन पूजा करिए प्रभु की चंदन पूजा करिए रे प्रभु पद पूजा दान प्रसंगे अंतराय कट जाता रे सोम
भागी शुभ नामी दानी जग जिसका जश गाता रे। चंदन पूजा करिए प्रभु की, चंदन पूजा करिए रे। आदि व्याधि उपाधि त्रिविध भव पाप ताप नहीं होता रे। हरि कविंद्र प्रभु चंदन पूजा मिटे चार गति गोतारे। चंदन पूजा करिए प्रभु की, चंदन पूजा करिए रे। चंदन पूजा करिए प्रभु की, चंदन पूजा करिए रे। चंदन पूजा करिए प्रभु की, चंदन पूजा करिए। काव्य पापोपताप शमनाय महद्गुणाय दुर्बोध भावी भव रोग निवारणाय आत्म प्रमोद करणाय यजामहे श्री वीरम विशेष गुण चंदन सद्रसेन। मंत्र ओम रीम अरहम परमात्मने अनंतानंत ज्ञान शक्तये जन्म जरा मृत्यु निवारणाय अंतराय कर्म समूलोच्छेदाय श्री वीर जिनेन्द्राय चंदनम यजामहे स्वाहा। चंदन से प्रभु के 9 अंगों की पूजा करें। तृतीय पुष्प पूजा। यह पूजा पढ़ाते समय एक थाली में उत्तम कोटि के पुष्प लेकर खड़े होना चाहिए। फूलों में रस है भरा फूलों भरी सुवास फूलों से पूजो प्रभु रसवासित हो खास फूलों से कोमल अधिक वज्र कठोर विशेष अद्भुत जीवन फूल से पूजो प्रभु हमेशा। फूल से कोमल है भगवान हृदय करुणा रस भरने वाले फूल से पूजो श्री भगवान सुवासित चित को करने वाले से कोमल है भगवान हृदय करुणा रस भरने वाले फूल से पूजो श्री भगवान सुवासित चित को करने वाले। प्रभु की पूजा लाभ अनंत लाभ अंतराय का होता अचिंतन लाभ विषय भगवान पूजो लाभ को लेने वाले फूल से
सहज सुख सिद्धि पाने वाले, फूल से कोमल है भगवान, हृदय करुणा रस भरने वाले, फूल से पूजो श्री भगवान, सुवासित चित को करने वाले। काव्य चंचत सुपंच वर वर्ण विराज भिर्वै सद्गंधि भीष्ट विषदै सुविकास शीलै स्वांतर विकास विधये ही यजामहे श्री वीरम विशेष गुण पुष्प वरै समंता। मंत्र ओम रीम अरहम परमात्मने अनंतानंत ज्ञान शक्तये जन्म जरा मृत्यु निवारणाय अंतराय कर्म समूलोच्छेदाय श्री वीर जिनेन्द्राय पुष्पम यजामहे स्वाहा। थाली में रहे पुष्पों को प्रभु के चरणों पर चढ़ाएं। चतुर्थ धूप पूजा। यह पूजा पढ़ाते समय एक थाली में धूप लेकर खड़े होना चाहिए। उड़े धुआ जो धूप से कर्म धुआ उड़े जाए भोग कीटाणु कीटाणु नशाय वायु मंडल शुद्ध हो मन पावन हो जाय प्रभु की पूजा धूप से करो सदा सुखदाय। भोग रोग का मूल भविक जन भोग रोग का मूल भोग रोग का मूल यही अनादि भूल भविक जन भोग रोग का मूल भोग रोग का मूल प्रभु पूजा में भोग त्याग कर योगी जन बन जावे त्रिभुवन प्रभुता पूरण भावे अध्यात्म लय लावे अध्यात्म लय लावे भविक जन भोग रोग का मूल भोग रोग का मूल एक बार उपयोग में आवे तो ही भोग कहावे बार बार उपयोग में आवे उपभोग लखावे भविक जन भोग रोग का मूल भोग रोग का मूल वर्ण गंध रस स्पर्श सभी है पुद्गल गुण खासा जब तक है संसारी जीवन तब तक भोग की आशा तब तक भोग की आशा भविक जन भोग रोग का मूल भोग रोग का मूल खान पान रस भोग विघन से अंतराय बंध जाता अंतराय उदय मन वांछित वस्तु जन नहीं पाता वस्तु जन नहीं पाता भविक जन भोग रोग का मूल भोग रोग का मूल भोग के साधन सन्मुख होते चाह हृदय में रहते कामन होता होती अरुचि परवशता दुख सहते परवशता दुख सहते भविक जन भोग रोग का मूल भोग
योग कामू। प्रभु पूजा अंतराय निवारे, सुर नर सुख विस्तारे। सदगुरु संग रंग अविनाशी, आत्म रमणता धारे। आत्म रमणता धारे भविक जन, भोग रोग कामू। भोग रोग कामू, भोग विघन प्रकृति कट जाती। योग निवृत्ति होते, आत्म गुण रमणी गति उत्तम। मोती में मोती पोते, मोती में मोती पोते भविक जन, भोग रोग कामू। भोग रोग कामू, हरि कविंद करो प्रभु पूजा। भोग विघन मिट जावे, आत्म भोगी योगी जग में। यश कीरति रति पावे, यश कीरति रति पावे भविक जन, भोग रोग कामू। भोग रोग कामू, भोग रोग कामू लभविक जन, भोग रोग कामू। भोग रोग कामू। काव्य स्फूर्जत सुगंध विधिनोर्ध्वगति प्रयाणे। दुर्भाव रोग शमने प्रतिबद्ध कक्षा। सम्यक् श्रुतार्थ गत यो हि यजामहे श्री। वीरं विशेष गुण धूप वरहि समन्ता। मंत्र ओम रीम अरहम परमात्मने, अनंतानंत ज्ञान शक्तये, जन्म जरा मृत्यु निवारणाय, अंतराय कर्म समूलोच्छेदाय, श्री वीर जिनेन्द्राय धूपम यजामहे स्वाहा। धूप को जिन प्रतिमा के आगे रखें। पांचवी दीपक पूजा। यह पूजा पढ़ाते समय एक थाली में प्रज्वलित दीपक लेकर खड़े होना चाहिए। दीपक भावे दीपता, पूजो श्री जिन राज। आत्म गुणे आस्वाद कर, पाओ सुखद स्वराज। रहन सहन उपभोग को, कर दो प्रभु पद भेद। देता ते।
भर दो अपने जीवन में परमात्म अनुराग। संतोषी सुखी रहते हैं घरों हृदय संतोष, संतोषी सुखी रहते हैं घरों हृदय संतोष। प्रभु पद पूजा में प्रकटेगा कई भाव निर्दोष, कर दो कर दो प्रभु के चरणों में उपभोगों का त्याग। भर दो अपने जीवन में परमात्म अनुराग। उपभोगों में फंसे देवता दुख पाते भरपूर, उपभोगों में फंसे देवता दुख पाते भरपूर। अंत समय छह महीने पहले मिट जाता है नूर, कर दो प्रभु के चरणों में उपभोगों का त्याग। भर दो अपने जीवन में परमात्म अनुराग। उद्गल साधन उपभोगी की सदा दुर्दशा जान, उद्गल साधन उपभोगी की सदा दुर्दशा जान। यहाँ वहाँ चारों गतियों में होता दुख महान, कर दो चरणों में उपभोगों का त्याग। भर दो अपने जीवन में परमात्म अनुराग। आत्म गुण उपभोगी निश्चय हो जाता भगवान, आत्म गुण उपभोगी निश्चय हो जाता भगवान। प्रभु पूजा में पुद्गल त्यागो पाओ कर दो प्रभु के चरणों में उपभोगों का त्याग। भर दो अपने जीवन में परमात्म अनुराग। भोग और उपभोगों से जो रहते सदा उदास, भोग और उपभोगों से जो रहते सदा उदास। जन्म मरण दीपक प्रकाश, कर दो प्रभु के चरणों में उपभोगों का त्याग। भर दो अपने जीवन में परमात्म अनुराग। जग दीपक जिन देव चरण में दीपक पूजाए, जग दीपक जिन देव चरण में दीपक पूजाए। कविंद्र परमात्म ज्योति दीपित होवे देह, कर दो प्रभु के चरणों में उपभोगों का त्याग। भर दो अपने जीवन में परमात्म अनुराग। कर दो प्रभु के चरणों में उपभोगों का त्याग। काव्य संपूर्ण सिद्धि शिव मार्ग सुदर्शनाया, नन्तात्म कर्म तम सांपरिभेदनाय, दिव्य प्रकाश करणाय यजामहे श्री, वीरम विशेष गुण दीपक दीपनेन। मंत्र ओम रीम अरहम परमात्मने अनंतानंत ज्ञान शक्तये, जन्म जरा मृत्यु निवारणाय, अंतराय कर्म समूलोच्छेदाय, श्री वीर जिनेन्द्राय दीपकम यजामहे स्वाहा। दीपक को जिन प्रतिमा के आगे रखें।
छठवीं अक्षत पूजा। इस पूजा को पढ़ाते समय एक थाली में लगभग 1.25 किलो चावल लेकर खड़े होना चाहिए। अक्षत स्वस्तिक क्षत ही सुपरिणाम गुण ही प्रशस्तम
सत्स्वस्तिकं लघु चतुर्गतिवारकं च आत्मा क्षतोत्तम गुणाय यजामहे श्री वीरं वराक्षत गुणैक विशेष भावम्। मंत्र ओम रिम अरहम परमात्मने अनंतानंत ज्ञान शक्तये जन्म जरा मृत्यु निवारणाय अंतराय कर्म समूलोच्छेदाय श्री वीर जिनेन्द्राय अक्षतम यजामहे स्वाहा। प्रभु के सामने साथिया सिद्धशिला आदि बनाए। सातवी नैवेद्य पूजा। इस पूजा को पढ़ाते समय एक थाली में उत्तम प्रकार के मिष्ठान्न लेकर खड़े होना चाहिए। अमृत गुण नैवेद्य से पूजो परम दयाल आत्म अमृत रस मिले मिटे भूख जंजाल। भूखा सब संसार है भूख भरा है दुख भूख मिटे भगवान से भजो मिटे भव भूख। जाय भरम कट जाय करम अंतराया पूजो नैवेद्य से जिन राया। मीट जाय भरम कट जाय करम अंतराया पूजो नैवेद्य से जिन राया। गाती कर्मों के पास दुख पाया पूजो नैवेद्य से जिन राया। जीव गुण ये जड़ गति होते अतएव जीव खाता गोते। भटका 84 लाख रही नहीं कोई साख भर माया पूजो नैवेद्य से जिन राया। ध्रुव बंदी ध्रुवोदयी जानो ध्रुव सत्ता को पहचानो। देश घाती ये पंच इनका भारी प्रपंच समझाया पूजो नैवेद्य से जिन राया। पांचों अंतराय ये है पाप अपरावर्त मान की छाप। जीव में हो विपाक जैसे आमों में आग उपजाया पूजो नैवेद्य से जिन राया। प्रकृति स्थिति रस ओ प्रदेशी बंद 24 बहुविध वेशी। सोचो कर्म विपाक तोड़ो ताक ताक कर उपाय।
पर विवेक विचार हो अमाया। तू जो नई वेद से जिन राया दश गुण ठाणा तक बंदे कतो दय बारह संदे अंत क्षायिक भाव पुरुषार्थ प्रभाव जो जमाया। तू जो नई वेद से जिन राया हरि कविंद्र अंतराय तोड़ो आत्म से आत्म जोड़ो लब्धि पंच प्रयोग भव भाव वियो सुख पाया। तू जो नई वेद से जिन राया तू जो नई वेद से जिन राया तू जो नई वेद से जिन राया। काव्य प्राज्याज निर्मित सुधा मधुर प्रचारे नई वेद्य वस्तु विविधैर्विधिनोपढोक्य नित्यं बुभुक्षित पदक्षत ये यजामहे श्री वीरं निजात्म परमामृतदायकं तं। मंत्र ओम रीम अरहम परमात्मने अनंतानंत ज्ञान शक्तये जन्म जरा मृत्यु निवारणाय अंतराय कर्म समूलोच्छेदाय श्री वीर जिनेन्द्राय नैवेद्यम यजामहे स्वाहा। मिठाई को स्वस्तिक पर चढ़ाएं। आठवीं फल पूजा। इस पूजा को पढ़ाते समय एक थाली में उत्तम प्रकार के फल लेकर खड़े होना चाहिए। निज पूरव कृत कर्म फल दुख भी हो सुख तजो तजो
परमात्मा पद प्रकटाएगा, भविका परमात्मा पद प्रकटाएगा। प्रभु पूजा करो, प्रभु पूजा करो, आया विघ्न मिट जाएगा। प्रभु पूजा करो, प्रभु पूजा करो, आया विघ्न मिट जाएगा। काव्य पीशल रसोत्तम भाव पूर्णैर् दिव्यै फलैर् गुणमयैर् बलशालिभिश्च भक्त्या समर्प्य विधिना प्रयजामहे श्री वीरं सदाशिव फलाप्ति कृते समन्ता। मंत्र ओम रीम अरहम परमात्मने अनंतानंत ज्ञान शक्तये जन्म जरा मृत्यु निवारणाय अंतराय कर्म समूलोच्छेदाय श्री वीर जिनेन्द्राय फलम यजामहे स्वाहा। फलों को सिद्ध शिला पर चढ़ाएं। कलश सभी खड़े होकर हाथ में कुसुमांजलि लें और पूजा पूर्ण होने पर प्रभु को बधाएं। समय समय में होते हैं सात कर्म का बंध, आयु सहित हो आठ का बंद दुख अनुबंध। आठ कर्म कटते प्रकट आत्म गुण हो आठ, कर्म चूर तप करवरो आठ सिद्धि के ठाठ। शासनपति श्री वीर जिनेश्वर तेरे मुख से फरमायो, पर पायो रे धन श्री मुख से फरमायो, पर पायो रे धन परम निवारण आत्म आठ गुण, कर्म निवारण आत्म आठ गुण यथाशक्ति तपठायो, पायो पायो रे धन यथाशक्ति तपठायो, पायो पायो रे धन प्रवचन सारो धारे आचारे, प्रवचन सारो धारे आचारे सुविहित विधि समझायो, पायो पायो रे धन सुविहित विधि समझायो, पायो पायो रे धन तप उद्यापन उत्सव पूजा, तप उद्यापन उत्सव पूजा प्रभावना मन लायो, पायो पायो रे धन प्रभावना मन लायो, पायो पायो रे धन हर तर गण नायक सुख सागर, हर तर
वर्तमान जीना आनंद सागर, वर्तमान जीना आनंद सागर, सूरीश्वर सुखदायो पर पायो रे धन, सूरीश्वर सुखदायो पर पायो रे धन, आज्ञा रंग पायो रे धन शा।